दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि किसी भी इमेज फाइल के डॉक्यूमेंट को कलर या ब्लैक एंड वाइट में कैसे प्रिंट आउट करते हैं। तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे जिसको आपको प्रिंट निकालना है। तो ये देखिए, मैंने इसे ओपन कर लिया है। तो यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे या डायरेक्ट कंट्रोल पी करेंगे तब भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर साइज़ दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। क्वालिटी भी स्टैंडर्ड दी गई है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। पेपर में प्लेन पेपर या जैसा भी पेपर आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, तो मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट आपको कलर में ही निकालना है और ये कलर में है, तो यहीं से आप डायरेक्ट प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट पूरा कलर में निकलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो कि कलर में है इसको आप ब्लैक एंड वाइट में निकालें, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन लिखा आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ दिया गया है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कलर और ग्रे स्केल। तो यहाँ से आप अगर आप इसको ब्लैक एंड वाइट में निकालना चाहते हैं तो ग्रे स्केल पर टिक कर देंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया है। और यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।